अगला क्वेश्चन रोटेशन का है. इसमें कहा गया वन एंड ऑफ ए स्ट्रेट यूनिफॉर्म 1 मीटर लॉन्ग बार इज पाइवेटेड ऑन हॉरिजेंटल टेबल. देखेंगे यहाँ डायग्राम बनाया गया है, ये हॉरिजेंटल टेबल है और यहाँ पर एक हिंज किया गया है रॉड जो कि शुरू में 30 डिग्री के एंगल पर है और वहाँ से रिलीज किया जाता है. इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजेंटल. इट्स एंगुलर स्पीड व्हेन इट हिट्स द टेबल इज गिवन एज रूट एन पर सेकेंड वेयर एन इज एन इंटीजर द वैल्यू ऑफ एन इज. तो ये जो एन इंटीजर है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक, तो ये हिंज किया गया है तो यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. ये रोटेट करके आएगा और फाइनली ये कुछ ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टल. तो जब यहाँ से नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. चूँकि एक जगह पर हिंज है तो ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी. जैसे कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, है ना. तो ये जो लेंथ है वो आएगा एल बाई टू, है ना. तो ये अभी यहाँ पर है. अगर ये वर्टिकल हाइट पता करना हो यहाँ से तो एल बाई टू साइन 30 डिग्री आएगा. ये एल बाई टू साइन 30 डिग्री. तो जब रॉड यहाँ से यहाँ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी बाई एम जी एल बाई टू साइन 30 डिग्री. इतना से पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. इसके पास फाइनली जब यहाँ पर रॉड आ जाएगा तो इसके पास ओमेगा वेलोसिटी आ जाएगा. यहाँ पर जीरो एंगुलर वेलोसिटी था, है ना. तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब इसको लिखा जा सकता है एम जी एल बाई फोर इज इक्वल टू हाफ. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रॉड का वो लिखा जा सकता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री, क्योंकि अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से एल और यहाँ से एल कैंसिल होगा, एक एम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, टू से इस फोर को कैंसिल कर सकते हैं. तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा है ना वो आएगा 3g बाई 2l का रूट. अब यहाँ पर जो l है वो 1 दिया गया है, 1 मीटर दिया गया है. तो 3g का वैल्यू 10, 2 इंटू 1 तो ये आ जाएगा रूट 15 पर सेकेंड, है ना. तो इस क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू कहा गया है कि ये है रूट एन पर सेकेंड. तो ये रूट एन है और अपना आंसर आया है रूट 15. तो कंपेयर करेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 15 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा.